Barsham Vets Farooq. टोनी भाई ने और हम सब ने मिलकर बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की। कोई नहीं यार, मुझे भी गुस्सा आ गया था। एक बात तो बता। हाँ हाँ फारूक भाई। यार एक सेकेंड हैंड गाड़ी कितने तक की आ जाएगी? फैसल का बड़ा भाई है ना, वो पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता है, एक से एक गाड़ी दिला देगा। तुम कहो तो मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम 5-6 लाख रुपए होने चाहिए तुम्हारे हाथ में। 5-6 लाख? ये मैं सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल भेज दो। बड़ी जालिम सवाल है, इंसान को अपनी नजरों से गिरा देती। गाड़ी हो ना तो कम से कम यह हौसला जरूर रहता है कि इज्जत काबू में रहेगी। बात तो पते की है, लेकिन फिर भी इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कभी कभी मोहब्बत में सौदेबाजी जायज होती। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम कहो तो तुम्हारा नंबर फैसल के बड़े भाई को दे दूं। हाँ, लेकिन उसे कहना कि गाड़ी का रंग शौक सा हो, काला है सफेद नहीं। अल्लाह, फोटोशूट हो गया था? या इट हैपेंड। पहले शुरू में मॉडल को थोड़े से मसले हो रहे थे, बट कुछ गाइडेंस के साथ सब सही हो गया। चलो गुड, तस्वीरें आ गई सारी? यस, टर्न आउट रियली वेल। ओके चलो ठीक है, मुझे दिखा देना। हे फारूक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ बैठो। ठीक है, मुझे फोटोशूट दिखा देना, मैं एकदम रन थ्रू कर लूंगी। ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में मुगीस को बुलवाती हूँ, वो आपको सब दिखा देगा। चलो ठीक है, परफेक्ट। सब बड़े खुश हैं तुमसे, बहुत अच्छे वर्क करो तुम। आपने नौकरी दी, आपकी बड़ी मेहरबानी। फारूक, तुम ठीक हो? क्या परेशानी है? क्या तबस्सुम के साथ फिर से झगड़ा हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? आप जिब्रान को तबस्सुम को लेने और छोड़ने के लिए ना भेजा करें। क्यों, क्या हुआ? हमारे यहां अच्छा नहीं समझा जाता।
कुछ जवान लड़का बगैर किसी रिश्ते के लड़की को गाड़ी में छोड़े। फारूक तुम्हें यहां पर ना अपना दिमाग थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। कोई काबिल एतराज बात नहीं है और जिब्रान बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे भी जिब्रान तभी ड्रॉप करता है जब ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता, वैसे ड्राइवर ही करता है। मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा, जब ड्राइवर नहीं होगा मुझे कह दीजिएगा, मैं तो बस तुमको पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा। तुम क्या क्या सीखोगे उसके लिए? सब कुछ। वो मेरे लिए बहुत अनमोल है जन्नत जी। और मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं। तुम इतना वहम करते उसके लिए कि उसके आसपास किसी को भी नहीं आने देते। आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना? वरना आप ये मुझे ना कहती। आप नुमान सर से पूछे, उन्हें किस साल लगेगा। अच्छा ठीक है तुम जाओ। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। नहीं ठीक है तुम जाओ। ने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, वरना आप ये मुझे ना कहती। आप नुमान सर से पूछे, उन्हें किस साल लगेगा। नुमान को कुछ भी नहीं लगेगा, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। बस तुम बाजी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? मैं आपको रोज कॉल करूंगी। मम्मी जो मैंने टॉयज बताए थे तो वो आप मेरे लिए पक्का लेकर आएगी? प्रॉमिस, मैं सारी लेके आऊंगी, ठीक है? इनका ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। अरे आज है, लेट हो रहा है। फर्स्ट क्लास ट्रैवल करें, लेट नहीं होंगे। फर्स्ट क्लास का मतलब ये नहीं है कि सड़क पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। सामान रखते है सारा? पासपोर्ट टिकट सब रख लिया, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। अब चलो चलो, मैं आ रही। मामा को हग दो। दरवाजा लॉक कर लेना, वैसे गार्ड है लेकिन फिर भी। जी जी ओके, लाफ्स, बाय 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 बाय। बोलो बाय। चलो
अच्छा बताओ नींद आ जाएगी ना? जी तो तबसुम बाजी मैं भी सो रही है ना। जी मेरा बच्चा मैं बिल्कुल यहीं सो रही हूँ। आलियान आपको मामा के बगैर डर तो नहीं लगेगा? नो। अच्छा चलो अब आईज क्लोज करो। गुड गर्ल, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। फादर से मिला था, इज अ वेरी नाइस पर्सन। यस यस ही इज। अच्छा डैड से तुम मिल लिया, मुझसे कब मिल रहे हो? जी मैं तुम्हें पिक करने आ जाती हूं, लंच ब्रेक में ट्रीट पर चलते हैं, क्या ख्याल है? हां लेकिन वो तो पे मिलने पे होगी ना। कम ऑन, वो ट्रीट तो पे की होगी, मैं जॉब की बात कर रही हूं। मैं अपना क्रेडिट कार्ड और अपनी ग्लासेस घर भूल आई हूँ मेरे ख्याल से। मैं तुम्हारी लास्ट मिनट चीजें भूलने की आदत से पड़ता हूँ। हाँ लेकिन अभी इतना दूर नहीं गए घर से, तुम मोड़ लेते हैं तो बस उनको फोन करो, किसी ड्राइवर के हाथ भिजवा देगी। बड़ी खुशी की बात है। सुन
फोन नहीं उठा रही, शायद सोने चली गई होगी। मोड़ लो घर की तरफ वापस। सुबह अगर सोई भी है तो दरवाजा कौन खोलेगा? मेरे पास एक और चाबी है, उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर तुम जाके चीजें ले आओ, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ तुम्हारा। हाँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो लाइट ऑफ करके गई थी। वाकई कुछ हो गया जन्नत। ये लो, जो शानदार पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी।
सारी रात सो नहीं सका हूं मैं। अच्छा नहीं किया तुमने उसे इजाजत देकर। जवान जहान लड़की है, इस तरह इतने दिनों घर से बाहर रहेगी तो क्या कहेंगे मोहल्ले वाले, क्या सोचेंगे अजीज रिश्तेदार? सोचेंगे तो तब ना जब किसी को पता चलेगा। मैंने तो किसी को बताना ही नहीं है, और तुम भी जिक्र मत करना। बड़ी गलत गलत आदतें डाल रही हो तुम। एक दफा इजाजत दिया ना, अब हर रोज इजाजत मांगेगी रहने के लिए। नहीं मांगेगी, तुम जानते तो हो तबस्सुम को। अब जुशांदा पी लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, और हर चीज सर पे मत सवार किया करो। चलो पी लो जुशांदा। चल गया मेरा तो। और भाई कोई ताजा खबर ही सुना दो यार। देख सोनी भाई, सारे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो रही है कि तबस्सुम इसको घास तक नहीं डालती है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है। हाँ तो इस जैसे फटीचर को कौन पूछेगी। लेकिन ताजा खबर ये है कि ये भी गाड़ी खरीदने के लिए पर तोल रहा है। नहीं भाई। अरे अपनी चुड़िया को उड़ने नहीं देना चाहता ये। अबे वो तो कब की उड़ चुकी। ये मैं लूंगा। आलियान, आयमा, जल्दी करो, स्कूल से लेट हो जाओगे तुम दोनों। क्या खाओगे? और तुम? ये पूरा फिनिश करना है, ठीक है? और चॉकलेट मिल्क भी पूरा खत्म करना है। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लो, फिर तुम लोग को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस भी जाना है मुझे। तब सुन बाजी, मम्मा के ऑफिस में क्या करेंगी? टन्ना जी ने कहा था उनके जाने के बाद ऑफिस के भी चक्कर लगाया करूं। सारे काम तो मुझ पे छोड़ के गई है ना। चाय दे दो, दूध कम। अनवर, एक तो चाय ठंडी हो, पर तुम दूध भी अलग से नहीं लाए। गरम करके लाओ, दूध अलग से लाना। जी जी। अच्छा कौन है? मैं। भाई क्या हो गया तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? नहीं है खैरियत यार। आजकल तुम कुछ बहकी बहकी बातें नहीं करने लगे यार। अख्तर, तेरी को ड्राइविंग स्कूल में वाकफियत है? हाँ, पर गाड़ी किसको चलाना सीखनी है? मुझे सीखनी है। बड़ी बात है भाई, गाड़ी तो है नहीं तुम्हारे पास। मैं वो ले लूंगा, लेकिन तू मेरा दाखिला करवा दे यार। वो लोग एक बंदे की जमानत मांगते हैं, वो देते। अबे यहाँ तो बगैर जमानत के सारे काम हो जाते हैं। खैर एक काम करते हैं ना,
तेरे मसले का कोई ऐसा हल निकालते हैं कि ड्राइविंग स्कूल की जरूरत ही ना पड़े। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम जाओ होटल पे बैठो, तो कब चाय का बोलो, तैयार होके आता हूँ, फिर तो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक। जाने दो, जाने दो, छोड़ो छोड़ो, तुम सिर्फ आगे देखो, इधर उधर मत देखो, आगे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ, तुम उधर देखना, चलो सीधा देखो यार, आगे देखो, चलो चलो चलो, सीधा रख सीधा रख, हाँ स्टीयरिंग सीधा रख, स्टीयरिंग सीधा रख, उधर देख उधर देख, पीछे देख, चल चल चल, सीधी ले 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 ले, आराम आराम से छोड़ छोड़ो, हाँ चलो, वेरी गुड। जाने तो जाने यार, तुम्हें ये गाड़ी चलाने का शौक कब से पैदा हो गया? हो जाते हैं शौक पैदा, शौक पैदा होने में कौन सा टाइम लगता है? आराम से आराम से आराम से आराम से, बस बस ब्रेक, और अबे यार अभी तक गाड़ी की किस्से पूरी नहीं हुई है। आराम से चला रहा हूँ यार, अच्छा मुझे बता कितने दिन में सीख जाऊंगा मैं? वाह वाह फारूक भाई, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझसे ये नहीं पूछ लिया कि आप कितने घंटों में गाड़ी चलाना सीख लेंगे। अच्छा बता ना आप। लगेंगे यार हफ्ता दो हफ्ता तो लगेगा ना। एक दो हफ्ता नहीं, मैंने दिनों में सीख ली। ऐसी क्या कयामत टूट गई है यार? कयामत टूटी नहीं है लेकिन क्या, अच्छा आराम से, आराम से टूट सकती है। ओ बस ओए, बस 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 ब्रेक लगाओ, बस ठीक है, बस छोड़ दे भाई, आज के लिए बहुत है, उतरो अब। अनवर, अनवर, मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, वापसी में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, उन्हें घुमाने फिराने के लेके जाना है, ठीक है? लेकिन अभी तो स्कूल की छुट्टी होने में काफी देर है। तुम अपने काम से काम रखा करो, ज्यादा तबसरे मत किया करो, समझ आई? समंदर किनारे ले चलो। जी अच्छा। तूने बहुत अच्छा किया मछली ले आई, आज शाम जब नसीम के ससुराल वाले आएंगे ना, मैं मछली फ्राई करके उनके सामने रखूंगी कबाबों की बजाय। कितने बजे आएंगे वो लोग? रात के खाने के लिए आना है तो देर तो हो ही जाएगी, तू आ जाएगी ना? हाँ मैं आ जाऊंगी लेकिन मैं देर तक नहीं रुकूंगी, वहाँ बच्चे अकेले होंगे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, लेकिन बात सुन मेरी, फारूक को ना बताना कि तू जन्नत के घर में रह रही है, खाम का एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्यों झगड़ा क्यों होगा, और मैं उसे चुपके काम क्यों करूं? खानदान वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे कि दूसरों के घरों में जाके तू रह रही है? बस मैंने कह दिया ना, फारूक से जिक्र नहीं करना। अच्छा ठीक है अम्मी, लेकिन अगर वो यहाँ मुझसे मिलने आ गया तो फिर मैं कोई बहाना बना दूंगी जैसे पहले बनाए हैं। शाम में मिलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तबस्सुम बाजी बच्चों को लेने के लिए स्कूल गए हैं। 3 बज रहे हैं, हमको देर नहीं होगी आते आते। वो कह रही थी कि शायद बच्चों को घुमाने के लिए भी कहीं लेके जाएंगी। ले जी वो चल। आ गई।
मैं खाना लगा दूँ। अच्छा अब आप लोग जल्दी से चेंज करो फिर खाना खाते हैं। ठीक है ठीक है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। किस लिए? मैम ने कहा था कि उनकी गैर हाजिरी में आपसे पूछता रहूं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अच्छा नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वैसे काफी सिंपल हैं आप। क्या मतलब? मुझे लगा था कि आप मुझसे कहेंगे कि आपको कहीं बाहर जाना है या कहीं घुमाने फिराने लेकर जाऊं, लेकिन आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं। हाँ घुमा फिरा तो जा सकता है। तो फिर चले। ठीक है मैं आयमा को चेंज करा लूँ फिर उसको भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। बहुत खुश नसीब समझता हूँ मैं अपने आप को आज। किस लिए? आप मेरे साथ बाहर घूमने फिरने आई हुई हैं। इसमें मेरी खुश नसीबी नहीं है तो और क्या है। वैसे मैं आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ लेकिन बहुत जिक्र सुना है मैंने हर एक से आपके बारे में। हर एक से किससे? वो जन्नत जी ऑफिस में आपके बारे में ही बात करती रहती है। बहुत खुश है वो आपको लेकर। वो खुद भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कहाँ चले? जहाँ आपका दिल चाहे। क्यों ना आयमा को किसी प्ले एरिया ड्रॉप करके कॉफी पीने चले या कुछ और। ठीक है। जितना आपका दिल चाहे। मैंने पढ़ाने आने इस पर वो नहीं पढ़ूंगी। आज आपके ट्यूशन टीचर ने छुट्टी कर ली। आप अंदर जाइए और ऐश करें। आइए मैं आपको आपकी पसंदीदा कॉफी पिला। बैठा है? कब तक बैठा रहेगा? खैरियत है ना? हाँ सब ठीक। मैंने तवक्को भी नहीं की थी कि आप इतनी आसे जवाब निकलेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। नवाजिश है आपकी कि आपको पसंद आए। किसका फोन है? अननोन नंबर। अननोन नंबर से कॉल आती है आपको? आती है लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ।
मेरा नंबर तो सेव है ना आपके पास, ये ना हो कि किसी दिन मैं कॉल करूं और आप अननोन नंबर समझ के मेरा भी फोन ना उठाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी कॉल ना उठाऊं। वैसे मुझे बताइए आप सिंगल हैं जी? और आप? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, कोई मंगनी, कोई शादी, कुछ भी नहीं? एक बार मंगनी हुई थी लेकिन फिर वो खत्म हो गया। कई बार रिश्ता जुड़े तो पता लगता है कि गलत आदमी के साथ जुड़ा है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर वक्त पे खत्म कर देना चाहिए रिश्ता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था।